इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके वजह से इंडिया में बहुत सारा नया चीज़ डेवलप नहीं हो पाता। इनसे मैं अगर बात करूँ एनीमे के, बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसके वजह से आगे जाके एनीमे की इंडस्ट्री बंद हो सकता है या फिर नए जो एनीमे इंडिया में आ रहा है वो नहीं आ सकता है। ऐसे तीन रीज़न बताऊंगा और लास्ट वाला रीज़न तो ऑब्वियसली वो अभी हो रहा है, अगर अभी ना रुके एनीमे को देखने की कोशिश छोड़ दो फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस पॉइंट की, वो है एनीमे बूम। हाँ, 2020 या फिर 21 में जब जुजुत्सु काइज़न रिलीज हुआ था वो था पीक पॉइंट एनीमे के, क्योंकि उससे पहले जो एनीमे वॉचर थे वो थे ग्रियल एनीमे वॉचर, क्योंकि आगे जो लोग भी एनीमे देखता था वो आज भी देख रहा है, वो फ्यूचर में भी देखेगा, उनका एकदम फिक्स है। अभी अगर बात करें जेजेके फैन की, तो जेजेके के टाइम में एक ऐसा टाइम था जब एक छपरी को छोड़ो, एक जो एनीमे को पसंद नहीं करता, नहीं देखा कभी वो भी एनीमे देखा, कोई बच्चा जो है वो भी एनीमे देखा, सब लोगों ने जेजेके जरूर देखा है, जिससे कि क्रंची रोल को पता चल गया कि हाँ इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है एनीमे के, अगर तुम अच्छे से घुस सकते हो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन बात इतना तर नहीं है, बात ऐसे है कि सब एनीमे जेजेके नहीं होता है, अभी जेजेके के बाद जो एनीमे है वो शायद उससे भी अच्छा हो या फिर उससे थोड़ा सा कम अच्छा हो। अभी जो जेजेके फैंस है वो सिर्फ जेजेके देखता है, ये जो गोजो एनीमे है मतलब जो जेजेके का फैंस है जो जेजेके देखा है उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू करता ही नहीं है एनीमे को, तो इसके वजह से बहुत सारे व्यूअरशिप कम रहा है एनीमे के। अगर कोई वॉचर पहले जेजेके देखता है जो कि एक सोनेन टाइप एनीमे है, और उसके बाद अलिया समटाइम हाइट्स आर फीलिंग इन रशियन देखता है जो कि एक रोमांटिक टाइप का एनीमे है, तो वो लोग नहीं पसंद करेगा अलिया समटाइम हाइट्स आर फीलिंग इन रशियन को। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि एनीमे बूम के वजह से एनीमे के फ्यूचर बहुत ही लो हो चुका है इंडिया में। अभी दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरे पॉइंट में आता है क्रिटिसाइज और कंट्रोवर्सी। अगर इंडिया में कोई बच्चे के नाम कंट्रोवर्सी रख देना वो बचपन से ही वायरल हो जाता है या फिर फेमस हो जाता है, ऐसे देश है इंडिया। तो अगर इंडिया में अगर तुमको एनीमे में कंट्रोवर्सी नहीं दिखता है तो तुम वॉचर नहीं हो, तुम एनीमे नहीं देखते हो। तुम कोई भी एनीमे उठा लो, क्रंचीरोल में देखो या फिर इंडिया की जो यूट्यूब चैनल्स है वहाँ पर देखो, वहाँ पर भर भर के कमेंट होता है कि ए वाला कैरेक्टर इससे बेकार है, ए वाला कैरेक्टर अच्छा है, ए अच्छा नहीं है, ख़राब है, ऐसे कमेंट भरे भरे हैं। कोई अगर वीडियो छोड़ता है कि जेजेके बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो उसको भर भर के कमेंट आता है क्यों भाई तुझे ये नहीं पसंद, वो पसंद नहीं, तुझे ये पता नहीं, वो पता नहीं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इंडिया में ये कभी भी नहीं बदलेगा। इंडिया में अगर तुम किसी को पसंद करते हो और दूसरे उसके मजाक उड़ाता है तो तुम उसको कमेंट जरूर करोगे, जिसके वजह से तुम तो एनीमे छोड़ोगे वो भी छोड़ेगा एक टॉक्सिक नेचर के वजह से। इस टॉक्सिक नेचर से हमको बाहर आना पड़ेगा और नहीं तो हमें सच में एनीमे नहीं देखने को मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि अगर हम यही सब करते रहेंगे तो न्यू एनीमे आने का कोई मतलब नहीं है। कोई कोई डाई हार्ड फैन होता है, हमें पता है, जैसे कि नारुतो को फैन को पसंद नहीं है जेजेके। अगर तुम समझ लो एक नया एनीमे आया द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन डेमन लॉर्ड्स आर्मी इज ए ह्यूमन, और एक पुराना एनीमे है नारुतो, और अगर तुम बोल दो कि नारुतो से मुझे ये अच्छा लगता है तो तुमको कमेंट करेंगे कि तू एनीमे यूज़र नहीं है, तू एनीमे को नहीं देख सकता, तू रील वॉचर है, तू ए है वो है, जो कि बहुत ही बुरा बात है। मुझे लगता है इस वजह से वो आदमी बोलेगा छोड़ यार ऐसे दुनिया में नहीं रहना जहाँ पर बहुत ही बात सुनने को मिलता है, टॉक्सिक बात है, चल वो दूसरे दुनिया में जाते हैं। अभी तीसरे और बहुत बड़ा पॉइंट बोलने वाला हूँ जो कि इंडिया में सब लोग इसी वजह से इंडिया में और एनीमे नहीं आ सकता है फ्यूचर में, वो है पायरेसी। इंडिया में दो बंदे अगर एनीमे देखता है उनमें से एक ऐसे यूजर होते हैं जो पायरेसी करके एनीमे देखता है, जो कि पहले ठीक था क्योंकि पहले एनीमे इंडिया में अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब जब क्रंचीरोल है, म्यूजिक इंडिया जब करता है, जियो सिनेमा में एनीमे से तुम और भी अगर देखोगे प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इन
इसमें भी अभी एनिमे है, और अगर तुम अब भी पायरेसी करके देखते हो तो बहुत ही बुरा बात है। अगर हम बोले तो एक पायरेसी ग्रुप का एवरेज होता है 2 लाख। अगर तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हें कोई 2 लाख में से 2 लाख लोग अगर तुम्हें 1 रुपया दे और बोले हमारे लिए 50 पैसे का एक टॉफी लेके आओ, तो तुम्हारे पास 1 लाख पैसा होता है। लेकिन अगर वही 2 लाख लोग आके तुम्हें बोलता है कि तुझे पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें टॉफी खिलाना होगा, तो तुम्हारा 1 लाख लॉस होता है। ऐसे ही होने वाला है अगर क्रंची रोल में वो 2 लाख में से अगर कुछ भी यूजर आ जाता है जो कि सब्सक्रिप्शन प्रीमियम ले लेता है, तो क्रंची रोल को तो बहुत ही हेल्प मिलेगा और नया एनिमे लाने के लिए। लेकिन नहीं, इनको तो पायरेसी करके देखना है। अभी 70% वॉचर पायरेसी करके ही वीडियो को देखता है, एनिमे को देखता है, जो कि हाँ हो सकता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम पायरेसी करके देख रहे हो तो बुरा। तुम्हें जियो सिनेमा में जाना चाहिए, जियो सिनेमा में फ्री में तुम्हें जाना चाहिए, और भी जैसे यूट्यूब में म्यूजिक इंडिया, म्यूजिक एशिया, ये सब चैनल में जहाँ पर फ्री में है। अगर तुम फ्री में नहीं देख सकते हो तो फिर कुछ पैसे खर्च करो। और मैं अभी बोलने वाला सोल्यूशन जिनसे ये सब प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। तो पॉइंट 1 में हमने बोला था कि एनिमे बूम के बारे में। तो हाँ भाई, जो लोग एनिमे बूम के वजह से ये पर फंसा हुआ है, मैं उनको बोलूंगा तुम लोग पहले जेजेको को छोड़ो और एक दो और भी एनिमे को ट्राई करो। एक तो एनिमे ट्राई करोगे, देखोगे तो आपको समझ आएगा एनिमे चीज क्या होता है, तुम्हें एनिमे में इंटरेस्ट लगेगा, फिर तुम लोग बोलना कौन अच्छा है कौन बुरा है। यही हमारा दूसरा पॉइंट है। अगर तुमको डिफरेंस करना ही है दोनों कैरेक्टर में, थोड़ा सा लिमिट रह के करो। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है तो उसको कमेंट करना ही चाहिए, नहीं, थोड़ा सा लिमिट में रहो। अब अगर तुम लिमिट में रहोगे तो वो भी करेगा। तुम अच्छे अगर अच्छे बात करोगे, जैसे कि बोलोगे ये तुम्हारा ओपिनियन है लेकिन मेरा ओपिनियन ये बोलता है, तब ठीक है। नहीं, इंडिया में ऐसे नहीं होता। इंडिया में बोलता तू नहीं है, तू अच्छा वीडियो नहीं बनाता, तेरे लिए ऐसा नहीं है, तो ये बहुत ही बुरा बात है। और नंबर 3 में वो बोलना चाह रहे हो प्राइवेसी को छोड़ दो और तुम लोग सब्सक्रिप्शन ले लो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 80 रुपीस क्रंची रोल के, वो ले लो। आपके पास पैसे है, 1000 से पूरे साल देख सकते हो एनिमे, वो खरीद लो। अगर 80% तो सब क्यों खर्च कर देता है पूरे मंथ को, तुम लोग एक एनिमे के लिए खर्च नहीं कर सकते। तुम लोग अगर एनिमे देखना चाहते ही हो तो 80 रुपीस उसके लिए कुछ नहीं है। तुम लोग एक थोड़े दिन के बाद भी उसको खरीद सकते हो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा पैसे इकट्ठा कर लो, उसके बाद खरीद लो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, शायद तुम लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, नेक्स्ट वीडियो संडे को नहीं आएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। तो कीप सपोर्टिंग। ओके, बाय बाय।